इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का दौरा। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का दौरा, कई जिलों का दौरा करेंगी कुमारी सैलजा। तो करनाल में आयोजित गोष्ठी में भी शिरकत करेंगी कुमारी सैलजा। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगी कुमारी सैलजा। अंबाला में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का भी नेतृत्व करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का दौरा जारी है। बता दें आपको, करनाल में जो आयोजित की गई है गोष्ठी, उसमें शिरकत करेंगी, कई जिलों का दौरा करेंगी कुमारी सैलजा। करनाल में आयोजित गोष्ठी में करेंगी शिरकत, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंचेंगी और अंबाला में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन छेड़ दिया है और सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। और वहीं अंबाला में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी कुमारी सैलजा। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, करनाल में आयोजित गोष्ठी में करेंगी शिरकत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क जुड़ चुके हैं। जी कमरजीत, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा करनाल पहुंचेंगी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो कुमारी सैलजा आज पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के जयंती पर कार्यक्रम रखा है, गोष्ठी रखी गई, उसमें शिरकत करेगी और पंचायत जो जाट धर्मशाला है वहां पर ये कार्यक्रम रखेगा। इसके साथ अगर बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब फॉर्म में नजर आने लग गई है। इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें पूरे जितने भी जो चुनाव लड़े हैं या चुनाव जीते हैं संत से गोपी शमशेर सिंह गोपी, उनके नेतृत्व में सारा का सारा ये कार्यक्रम रखा है। उसके साथ अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जिस मीटिंग हुए थे, मीटिंग में भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे। आज का जो कार्यक्रम है जो कुमारी सैलजा बोल रहे हैं अहम कार्यक्रम पर, इसी के साथ आगे की रणनीति बनाई जाए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में करनाल में भी ऐसे कार्यक्रम रखा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली और आगे आने वाले दिनों में ये चीजें हमें देखने को जरूर मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए कमर जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है बीजेपी को घेरने की, बताया ये जा रहा है कि आज अंबाला में जो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसका नेतृत्व भी करेंगी कुमारी सैलजा। तो किस समय करनाल पहुंचेंगी और उसके बाद किस समय अंबाला के लिए रवाना होंगी? देखिए, अगर बात करें तो करनाल का जो टाइम रखा गया 10 और 10:30 के बीच में रखा गया, हो सकता है 11 बजे तक कुमारी सैलजा करनाल में पहुंचे और करनाल में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे। और इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ कार्यक्रम के बाद कुमारी सैलजा आगे का जो प्रदर्शन रखा गया, जो रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी जो कई मुद्दे हैं जिनको घेरने के लिए, जो किसानों का मुद्दा आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है, जो मंडियों में ठगियां चल रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर जो शमशेर सिंह गोगी है उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में ये मुद्दे भी उठाए थे। हो सकता है कुमारी सैलजा इन मुद्दों को लेकर आज करनाल में कोई बड़ी बात कह रहे थे। और इसी के बाद तकरीबन दोपहर बाद हो सकता है जो कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं अंबाला का रखा गया, अंबाला के प्रदर्शन में वो शिरकत कर सकती हैं। जी कमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का दौरा होगा, वो करनाल में पहुंचेंगी जहां पर वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और कई जिलों का दौरा करेंगी कुमारी सैलजा। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, करनाल में आयोजित गोष्ठी में शिरकत करेंगी कुमारी सैलजा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है करनाल में, जिसमें कुमारी सैलजा पहुंचेंगी और साथ ही साथ अंबाला में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व भी करेंगी। कृष्ण बाली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी कृष्ण, आज जिस तरीके से एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी कुमारी सैलजा करनाल में और उसके बाद अंबाला में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी, आपके पास क्या अपडेट है? जी जी पूछा, ये इनका तो धरना प्रदर्शन जो आज होने जा रहा है, सबसे पहले ये 11 तारीख को होना था, 11 नवंबर में होना था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने धरने को स्थगित कर आगे कर दिया और आज बीजेपी की नीतियों के खिलाफ इनका धरना प्रदर्शन अंबाला में होगा। अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर इनका धरना प्रदर्शन होगा, जहां पर पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी नेता हैं, जितने बीजेपी के विधायक भी जो बने हैं, वो भी सब यहाँ पर रहेंगे और इनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। कृष्ण, क्या समय बताया जा रहा है जब अंबाला पहुंचेंगी कुमारी सैलजा, क्योंकि करनाल में भी आज पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर जो गोष्ठी कार्यक्रम किया गया है आयोजित, उसमें भी शिरकत करने वाली है कुमारी सैलजा, तो अंबाला किस समय पहुंचेंगी?
अंबाला में जो शैलजा का पहुंचने का समय इन्होंने बताया गया है लगभग 1 बजे का समय दिया गया, लेकिन उससे पहले जो विधायक है और जो दूसरे कांग्रेसी लीडर है वो सभी वहां पर मौजूद होंगे और धरने की कार्रवाई को जारी रखेंगे। लेकिन कुमारी शैलजा के आने के बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इनकी स्पीच वगैरह होगी जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, उसके बाद यहाँ का प्रदर्शन खत्म होगा। जी कृष्ण, यानी कि यूं कहें कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली है।